नहीं नहीं रुकी 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 बोलिए ये संग रहते हैं और ऑल इंडिया 2005 में हमने ऑल इंडिया के लिए चले 2005 में साइकिल से लुधियाने आए फिर लुधियाने से रिक्शा बना के छपरा पहुंचे तो बोलबम भागलपुर दर्शन किए 2007 में छपरा का रिक्शा दिल्ली आए तो दिल्ली छूट गए फिर 2012 में छपरा से आए तो इलाहाबाद में 15/10/2012 को हिंदुस्तान टाइम्स पेपर छपा धर्मेंद्र की दीवानगी में फिर वहाँ से दिल्ली आए दिल्ली के बाद वैष्णो देवी गए तो पहली बार वैष्णो देवी 2012 में दर्शन हुए फिर उधर से लौटने के बाद पठानकोट में हमारी रिक्शा कामयाब नहीं हुए तो वहाँ अप्रैल 16 से 29 मार्च 17 तक ऑल इंडिया टूर में कन्याकुमारी वैष्णो माता तीसरी बार की है और कन्याकुमारी रामेश्वर चेन्नई हैदराबाद मैहर भोपाल जबलपुर सब हो चुके थे 3 साल पहले उसके बाद में आसाम हरिद्वार केदारनाथ श्रीनगर बाकी है तो इस बार उनको पूरा करने के लिए फिर वैष्णो देवी चौथी बार दर्शन करूँगा और धर्मेंद्र जी से फिर मिलूँगा बॉबी देओल के पोज में और सनी देओल से नहीं मिल चुके हैं उनसे भी मिलूँगा और सनी देओल से मिलने का मतलब है कि गदर स्टाइल में मिलूँगा कमर लाठी लंटेन और पगड़ी में तो लंटेन नेता के लंटेन नहीं होते पूरे इंडिया के लंटेन होते हैं भारत माता की लंटेन जैसे कि अंधेरा को उजाले में बदलने के लिए लंटेन होता है और हम सबका लंटेन है तो ये गदर का लंटेन समझिए वो लालू का लंटेन नहीं ये लंटेन है तो नेता लालू के है तो हम ऑल इंडिया के टूर पर है और हर भाई को भ्रमण और यात्रा करने का मकसद है कि पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और आप लोग से अनुरोध प्रार्थना है कि मोबाइल पर ध्यान कम करें और मोबाइल में अच्छे अच्छे चीज़ तो बहुत है लेकिन पढ़ाई के उद्देश्य से मोबाइल को यूज करें और पढ़ाई को हिम्मत और मेहनत से जुनून से आगे कुछ बढ़ने की कोशिश करें जैसे भगत सिंह अब्दुल कलाम दशरथ माई इतिहास बनाएं और माँ बाप का नाम आगे बढ़ाएं और माँ बाप अगर गलत है तो उनको अच्छे से समझाएं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए गाली गलौज नहीं चाहिए प्रेम से रहना है और ये भारत पहले भी था आज भी भारत बनाए रखे हिंदुस्तान और पाकिस्तान हम सब एक है हम सब भाई है और जाति सिर्फ नर और नारी है ये हिंदुस्तान को भारत बनाने की कोशिश करें और प्रेम से रहने की कोशिश करें जब आप बूढ़ा है तो बूढ़ा न समझें मरने से पहले जीना न छोड़ें और अपने आप को कमज़ोर न समझें और ऊपर वाले की याद करते हुए माँ बाप को भी याद करिए माँ बाप का इज्जत कीजिए माँ बाप भी गुरु है और माँ बाप भी भगवान है और गुरु की भी सेवा करनी चाहिए जो शिक्षा देते उनकी इज्जत करनी चाहिए और हम ज़्यादा नहीं कहेंगे हम यही चाहेंगे कि हर पब्लिक अतुल हिंदी इंटरटेन वीडियो एक बार देखने की कोशिश करें और हमारे बारे में जानें कि मेरा रिक्शा से घुमाने का क्या मकसद है और क्या हम चाहते हैं जीने के लिए हम खाते हैं खाने के लिए नहीं जीते हैं हम अपने लिए नहीं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम ऑल इंडिया घूमते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कुंवारे हैं तो घूम रहे एक विवाहित प्रोफेसर थे तमिलनाडु में उनके पेपर 2017 में आई थी उनके मामा 2017 में दारू पी के 2007 में उनके मामा दारू पी के मर गए तो वो प्रोफेसर बूढ़े थे 52 साल के साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले थे 3 साल पहले तो उनकी पेपर 17 में आई थी तो उसके बाद पेपर देखे तो हमने 2018 में भी हमने रिक्शा से दूसरी बार चले थे 29/9/18 में चले थे तो वो पेपर कटिंग लिए थे तो भारत भ्रमण पर उद्देश्य में वो चले थे नासा के खिलाफ पढ़ाई के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए तो वो विवाहित थे 2 लड़के उनके आर्मी में थे उनके लड़की का साथ 2012 में था फिर भी नहीं गए 2007 से 2017 तक वो भ्रमण करते रहे तो जरूरी नहीं कि विवाहित लोग नहीं घूमते हैं और कुंवारे लोग घूमते हैं आपका जुनून होना चाहिए कि किसी के लिए आपको उद्देश्य है कि कुछ लोग अपने लिए जीते हैं कुछ लोग दूसरे के लिए फिदा हो जाते हैं लेकिन इतिहास होता है कि भाईचारे के लिए मान लो कि हम नहीं पढ़े दीवानगी में धर्मेंद्र जी नहीं पढ़े दीवानगी में दिलीप कुमार के दीवाने में वो इंटर तक रह गए ट्यूबल की नौकरी से और रेलवे में काम करने के बाद
को हीरो बन गए भगवान भरोसे, अच्छे इंसान है और हम उनके दीवाने में पढ़े कम है, बीए पार्ट टू किए 92 तक, उसके बाद उनके नाम से धर्म जी के नाम से कोचिंग भी चलाए 10-15 साल, बच्चे को रिक्शे से कमा कर दो मास्टर को पैसे देते थे। तो हम चाहते हैं कि हम नहीं पढ़े तो बच्चे और पढ़ ले तो हमारी खुशी मिलेगी, इसलिए ऑल इंडिया यात्रा और भ्रमण है और ज़्यादा नहीं कहेंगे। जय हिंद जय भारत, आप लोग एक है, हम सब एक है, जय हिंद जय भारत।